तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल के अंदर जो 1.5 का नया अपडेट आने वाला है उससे रिलेटेड काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई 1.5 का जो नया अपडेट आएगा वो कल आएगा या फिर वापस से उसको डिले कर दिया गया, और नेक्स्ट जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल को हम किस तरीके से 1.5 अपडेट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले। तो अगर आप जानना चाहते हो तो फोटो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो इससे तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिलेगा और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अब गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले गाइस बात करते हैं कि काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि 1.5 अपडेट वो कल हमें देखने को मिल गया या फिर वापस से उसका जो डेट उसको डिले कर दिया गया। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं 1.5 का जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो है 9 जुलाई यानी कि कल। तो कल को गाइस हमें बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल के अंदर 1.5 का जो नया अपडेट वो हमें देखने को मिल जाएगा। और गाइस और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो डेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उसका जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो है 9 यानी कि कल। तो कल को गाइस बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल के अंदर 1.5 का जो अपडेट वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी गाइस बात करते हैं कि आप लोग जो किस तरीके से बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को बहुत ही जल्दी 1.5 उसको अपडेट कर सकते हो। तो अगर गाइस आप BGMI को खेलते हो तो आप किस तरीके से जो 1.5 उसको अपडेट कर सकते हो बहुत ही जल्द। तो पहला जो सेफ और सिक्योर तरीका है वो है गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर की मदद से गाइस आप लोग इजीली अपडेट कर सकते हो 1.5 को। तो गाइस गूगल प्ले स्टोर के अंदर एक डिले होता है, जैसे कि हो सकता है गाइस आपको बहुत ही देर से मिले, जिसके आपको पता होगा कि अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो हर एक के पास रोल आउट होना स्टार्ट हो जाता है 7:30 बजे। तो अगर आपको पहले मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर के अंदर तो गूगल प्ले स्टोर के अंदर से आप इजीली अपडेट कर सकते हो। अगर आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर जल्द नहीं मिलता, अगर आपको वहां पर डिले होता है, तो आप जो नेक्स्ट जो तरीका उसको ट्राई कर सकते हो। गाइस आप लोग जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके अंदर जाके 1.5 उसको जो डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ऑफिशियल जो वेबसाइट उसके अंदर जाओगे तो वेबसाइट के अंदर पहले मिल जाता है, उसके बाद गाइस आता है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। तो पहले वेबसाइट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आएगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर। तो दोनों में से आप कोई सा भी एक तरीका ढूंढ सकते हो जिससे आप बहुत ही जल्द अपडेट कर सकते हो। अगर आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाता है तो पहले प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना, या फिर आपको नहीं मिलता तो वेबसाइट के अंदर से जाके अपडेट कर सकते हो। तो सेफ और सिक्योर दोनों तरीके ही आप इजीली अपडेट कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पबजी मोबाइल को खेलते हो तो पबजी मोबाइल को किस तरीके से 1.5 उसको अपडेट कर सकते हो। तो अगर गाइस आप पबजी मोबाइल 1.5 उसको अपडेट करना चाहते हो तो आपको गाइस कोई भी VPN या फिर कुछ भी आपको कनेक्ट करके आपको गेम नहीं खेलना होगा। तो सेफ जो तरीका है वो है गाइस पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके अंदर। तो और एक चीज गाइस, पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके अंदर आने में कुछ टाइम लग जाता है, जैसे कि अगर सुबह अपडेट आ जाता है तो शाम तक आपको पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके अंदर मिल जाएगा। तो अगर गाइस आप वहां से डाउनलोड करते हो तो बिना VPN के आप पबजी मोबाइल गेम जो उसको इजीली खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप इंडिया से होते हो तो। नहीं तो गाइस अगर आप दूसरा चीज ट्राई करोगे, जैसे कि अगर आप पबजी मोबाइल 1.5 उसको अपडेट करना चाहोगे टैप या फिर दूसरे कोई भी जैसे कि वेबसाइट के मदद से, तो गाइस अगर आप बाहर से अपडेट करोगे या फिर नया जो APK उसको डाउनलोड करोगे तो आपके फोन के अंदर तो चल जाएगा, लेकिन गाइस आपको VPN को कनेक्ट करके गेम को खेलना होगा। तो उससे अच्छा तो भाई आप VPN को कनेक्ट करके मत ही खेलना, आप कुछ टाइम तक वेट कर लो भाई, जब भी पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर आ जाएगा तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जब भी अपडेट आएगा। तो यही था सेफ और सिक्योर तरीका जो मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग किस तरीके से BGMI को अपडेट कर सकते हो और पबजी मोबाइल को किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। जो भी तरीका गाइस मैंने आप लोगों को बताया पूरा सेफ और सिक्योर है, आपका ID वगैरह बैन नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर गाइस आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।